चतरा सदर प्रखंड के दक्षिणी वन प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत ब्राह्मणा गांव के कोरचा जंगल के वन भूमि पर अफीम पोस्ता की खेती के लिए जमीन तैयार करते दो तस्करों को वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस आशय की जानकारी देते हुए वन प्रमंडल के वनपाल प्रभात कुमार ने रविवार की शाम बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग वन भूमि का उपयोग अफीम की खेती के लिए कर रहे हैं। सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। टीम का नेतृत्व वन रक्षी सुनीता तिग्गा कर रही थी। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोरचा वन क्षेत्र में जमीन तैयार करते चतरा थाना क्षेत्र के संतोष गंजू और गिद्धौर थाना क्षेत्र के विनय गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। प्रभात कुमार ने बताया कि दोनों गिरफ्तार तस्कर रिश्ते में जीजा साला हैं। इनमें से जीजा अपने ससुराल में आकर अफीम की खेती कर रहा था। छापेमारी दल में वन कर्मी धर्मेंद्र कुमार, देव प्रकाश, अनुज कुमार और चालक मोहम्मद अब्दुल सलाम इत्यादि शामिल थे। यह गुप्त सूचना मिला कि कोरचा वन में अफीम पोस्ता की खेती करने के लिए वन भूमि को जोतकर जमीन तैयार किया जा रहा है। टीम का गठन किया और उस टीम का नेतृत्व सुनीता तिग्गा बनरक्षी के द्वारा किया जा रहा था। वो टीम के साथ घटनास्थल कोरचा वन में पहुंची तो वहां पर अफीम की खेती के लिए जमीन तैयार करते हुए दो व्यक्ति रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उसमें पहला आदमी संतोष गंजू ग्राम कोरचा ब्राह्मणा जिला चतरा का रहने वाला है और दूसरा विनय गंजू बाई तिलैया थाना गिद्धौर जिला चतरा का रहने वाला है। ये दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लाया गया और जिसे कागजी कार्रवाई पूरा करते हुए जेल हाजत में भेज दिया गया। वो दोनों आपस में जीजा साला का रिश्ता था। वो साला उनका जीजा था वो ससुराल में आकर अफीम की खेती कर रहा था और इस अभियान में मनरक्षी सुनीता तिग्गा एवं अनुज कुमार तथा देव प्रकाश धर्मेंद्र कुमार एवं चालक अब्दुल सलाम शामिल थे।